चलो चलो बच्चों चलो, छुट्टी हो गई, घर को जाओ, चलो आराम से। ओए का घोसा चला रही है, देख ना रे फैक्ट्री के सामने साइकिल लगा रही है, सड़ी हुई ये ट्रक आते जाते रहे, मैं चल यहाँ से हटा। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये सरपंच ये घर का है सरपंच। अच्छा भूरा मुखबर, भूरा मुखबर। अरे भाई साहब ये पुलिस के दलाल है क्या? पुलिस का दलाल नहीं है, उससे लोग बाग जो ना बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारे सरपंच साहब को प्यार से भूरा मुखबर कहते हैं। वैसे भाई साहब क्या काम था तुम्हें हमारे सरपंच से? हमने अपने लड़ने का रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया? अरे यार ये तो तुमने बहुत अच्छा काम करा। कैसा आदमी कहते हैं? आदमी आदमी तो इतने गुड आदमी है भाई साहब, उनकी जो ना पूरा गांव अपने मुंह से खोलता है। कोर्ट कचहरी में खिंचवा दिया ना तो मेरा नाम भी सबाना नाम भूरा मुखबर बड़वे। ये तो अपने सरपंच का नाम ले रही है। हाँ यार सुनो तो मैंने भी यही है, ऐसा होता ना जब गांव में किसी के पास ज्यादा पैसा होता है ना तो लोग बाग उससे जलने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, और से बात करते हैं। क्यों बदनाम कर रहे हो तुम हमारे संदीप साहब को? हाँ क्यों बदनाम कर रही हो तुम हमारे सरपंच साहब को, क्या बात हो गई? ओ संदीप तुम्हारा तमाम जमाने का गुंडा, बड़वा पे 76 लगाऊंगी 76, उसके घर में काम कर रही मैं, पीछे से आकर तो पूछ लिया तेरा भैया उठा के रखते बिल्कुल। ओ भाई क्या बोला है, ओ भागो। क्या बला है लाल लाल, तो भागो सालो। वहाँ गाँव में लाल कलर की बला आ गई, जल्दी भाग यहाँ से, अबे क्या कह रही है, जल्दी बुलाएगी। अबे भाग। तो सुनो गांव वालों, मैं तुमसे एक बात काफी टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ। हाँ बताओ सरपंच जी। कि सवाना के लड़के की शादी में 4 रसियों ने मंगा लो। अबे वो ये सरपंच, पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बचा पड़ा है और ये रसियों की पड़ रही है। अरे बेटे भतीजे बैठ जा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू तो दिल पे ले गया तेरी अम्मी की कसम यार। सुनो गाँव वालो, सरपंच इस बात को सीरियस ले लो यार, अब रसियन का बजट तो बहुत हाई बैठ रहा है, मेरी राय मानो ना तो 4 मीठे मंगा लो, सालों को पूरी रात नचाएंगे। पागल है क्या सरपंच साहब बैठे? सरपंच साहब यहाँ का रंडी खाने को लपड़ा, जो मीठे और रसियनों की बात कर रहे हो, अबे गांव पे इतनी परेशानी आ रही है उसकी बात करो ना। सरपंच जी ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इस परेशानी का कोई उपाय है या नहीं? सुनो भाई गांव वालों, मेरे पास इस परेशानी का कोई उपाय नहीं है। सरपंच साहब मैं अपने भले भैया को बुला लूं, बहुत बढ़िया शांति तक देख लो। अबे चल बे पागल, तेरा भैया भी पागल है और तू भी पागल है साले। अरे भाई तो इसका कोई उपाय है या नहीं? हाँ है इसका एक उपाय। क्या है इसका उपाय? क्रिस। भाई साहब, ओ भाई साहब जी जी
बस शरबत बहुत कड़वा यार तुम्हारा। अब उसे पिए मत। अरे मैंने तो पी लिया। पी लिया? अब वो एंटीडोट था। एंटीडोट? एंटीडोट था ये। अब इसका रिएक्शन का पता नहीं क्या होगा। अरे रिएक्शन को छोड़ो भाई साहब तुम। लेकिन उस सरपंच की दावत मत करिए तुम। मर्दोगी? अबे एक चिल्लाइए मत करिए तुम। बहुत बेइज्जती करी उन्होंने मेरी। छोटे फिकर ना कर, मैं एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा हूँ जिससे कि ये गांव वाले। तुम्हें सरपंच जी बुला रहे हैं। सरपंच से बोलना साइंटिस्ट अभी एक एक्सपेरिमेंट में बिजी है, बाद में मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार। देखा छोटे, मैंने बोला था ना ये गांव वाले एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। लेकिन भाई साहब ये तो एक ही आदमी आया है। तुझे सही कहा मैं पागल। देख आ, तुझे दिखाऊं मैं अपने फार्मूले का कमाल। अबे भाई साहब तो तुम तो काले हो गए। तू भी तो काला हो गया। हेलो भाई साहब। ओ भाई साहब, अबे टकले। कौन है? मैं एलियन हूँ। अबे तो मैं क्या करूँ? मुझे क्रिस की तलाश है। अबे कौन क्रिस? मैंने जानता किसी क्रिस क्रिस को। चल आगे बढ़। साला पागल है। अरे क्या है तो क्या साले शराब के कहीं लेट जाओ तुम्हें। वही रंग बंगला के लेटे यहाँ पे। मुझे तेरी तलाश थी। और मुझे तेरी तलाश थी छांटू, जब मैं तेरे भाई जादू को सही सलामत तेरे प्लेनेट पे पहुंचा कर आया था। तो तू मेरे प्लेनेट पे आकर क्यों तबाही मचा रहा है? क्यों मेरे गांव वालों को परेशान कर रहा है? सही सलामत नहीं था मेरा भाई, तूने उसके साथ झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया है किरीट। तू झूठ बोलता है, मैंने उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किए थे। और बल्कि मैंने उसे अपने घर में रखा, खाना खिलाया, बहुत इज्जत दी। नहीं, तू झूठ बोल रहा है किरीट। वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें गलत नहीं हो सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा किरीट। इस किरिश्ता मुझे पहले से शक था। लाल शैतान के भैया के साथ इसने गलत काम किया था। अब तो वीडियो देख के यकीन आ गया तुम्हें।
आ गया यकीन, लेकिन ये साला क्रिश मिलेगा कहाँ? देखो सरपंच साहब, लाल शैतान की क्रिश की लड़ाई चल रही है। देखा सरपंच साहब, मैंने सच बोला था ना, क्रिश में और लाल शैतान में लड़ाई हो रही है। अपना क्रिश गद्दार है, गद्दार। हाँ, तो सही कहता है साइंटिस्ट, ये साला क्रिश गद्दार है, इसकी वजह से ही हमारे गांव में आफत आई है। मिस्टर जाडू, वो रिपोर्ट्स आपके भाई जादू की नहीं थी, किसी और की थी। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी क्रिश, तुम सही थे और मैं गलत था, मुझे माफ कर देना क्रिश, मैंने बहुत तबाही मचाई है, आई एम रियली सॉरी। जब तक मेरे गांव का पूरा नुकसान ना भर पेगा तू, जब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच साहब, लेकिन उसने अपनी गलती की माफी तो मांग ली, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए। नहीं, उसने बहुत गलत किया, उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो करे या उसके प्लेनेट वाले। सरपंच साहब, एक बार और सोच लो ठंडे दिमाग से।